नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपसे ऐसी चीज को शेयर करना चाह रही हूँ जो मुझे परेशानी उठानी पड़ी थी। दोस्तों, मैंने तरह तरह के पौधे लगा रखे थे और एकाएक मुझे दो चार दिन के लिए घर से जाना पड़ा, तो मैंने अपने मेट से कह दिया कि इसमें पानी डाल दिया करना, लेकिन उसकी भी सास मर गई और वो घर चली गई। और इस तरह से जब मैं लौट के देखती हूँ तो मेरे बहुत सारे पौधे मर गए। तो इसके बाद मैंने इसका तरीका निकाला, उपाय ढूंढा कि अब क्या किया जाए, अगर कभी जाना हो दो चार दिन के लिए जाना हो तो क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने जो व्यवस्था की उसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ये इस तरह के गमले हैं तो इसको मैंने ट्रे में रख दिया। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस गमले को मैंने इस पॉट में रख दिया है। ये एक गमले हैं, तो इसको मैंने सन पापड़ी का ये डब्बा है इसमें रख दिया, और ये सब में मैं पानी डाल दूँगा। और जब तक मैं दो चार दिन के लिए आऊँगी तो ये सारे के सारे इसमें से पानी को सोखते रहेंगे। मैं इसमें पानी भर दूंगी और ये पानी को क्या करेंगे, सोखते रहेंगे और मेरे पौधे मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। इस तरह से मैं इस सब में पानी को भर दूंगी। ऐसे आप भी चाहें तो आप दो चार दिन के लिए कहीं बाहर जाना हो तो इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसको आप शायद पहचान रहे होंगे। ये होली में खेल रंग खेलने के लिए पिचकारी का काम आता है, तो इसका ये वाला हिस्सा बाहर मैंने कर दिया और इसको गमले के अंदर, जैसे ये गमले में, इसमें यहाँ पर मैंने इसको ऐसे करके इसको अंदर धंसा दिया। धंसाने के बाद इसमें डाल देने के बाद अब इसमें मैं पानी भर दूँगी, तो ये पानी जितनी आवश्यकता होगी उतनी पानी ये इसमें से लेते रहेंगे। इसमें पानी इस तरह से भर दूंगी। इसी तरह से दो चार दस गमले जो भी हों उनकी तरह तरह की व्यवस्था हम चाहे तो कर सकते हैं। एक मान लीजिए यहाँ है, इसको थोड़े ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो ये कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल कहिए या मिनरल वाटर का, इसको इस तरफ से मैंने काट दिया है। ये इस तरह से काट के इसको हटा दिया और इसको मैं इसमें अंदर, इसमें देखना ये है कि अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा लंबे मुंह वाले बर्तन ये हो बोतल हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको इसमें अच्छी तरह से गाड़ देना है। अब गाड़ने के बाद इसमें पानी भर दें। अब ये गरा नहीं ठीक से, इसलिए ये गिर रहा है। देखिए, ये इस तरह से मैं इसमें पानी भर के छोड़ के चली जाऊंगी। दोस्तों, एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि कहीं सारा का सारा पानी, ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा पानी एक बार ही निकल जाए, तो ऐसी बात नहीं है। ये पानी सारे के सारे पानी एक बार नहीं निकलेंगे, हालांकि इसके मिट्टी सूखे हुए हैं इसलिए ज़्यादा खींच रहे हैं पानी को, ये पानी को धीरे धीरे खींचेंगे और एक दो दिन मेरा काम आसानी से चल जाएगा। अब एक चीज़ हम लोगों के दिमाग में ये आ रही है, जैसे इसमें देखिए मैं लेके रखी हूँ तो इसका अभी तक पानी ऐसे है, तो ये दो चार दिन आराम से पानी रह जाएगा। तो दोस्तों, अब एक चीज़ हम लोग के दिमाग में आएगी कि अगर हम इस तरह से दो घर में पानी को बंद करके रख के जाएं और दो चार दिन तक पानी हमारे घर में बंद रहेंगे तो उस पानी में डेंगू और मलेरिया के मच्छर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास बहुत तरह की चीज़ें हैं, उसको आप चाहें तो इसमें, ये देख रहे हैं आप, दालचीनी का पाउडर है, ये ऑयल है, तेल, और ये आपका खाने वाला सोडा है,
इसके बाद किरासन तेल भी है, हैंड वॉश भी है, जो भी चीज़ सुविधाजनक आपके पास हो उसमें से थोड़ी थोड़ी सी आप चाहे तो कोई एक चीज, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को हमको डालना है, तो एक दो बूंद इसमें से आप तेल में डाल रही हूँ तो एक दो बूंद तेल इसमें डाल दिए। अगर मुझे दालचीनी पाउडर डालना है तो दालचीनी पाउडर को चुटकी से पकड़ के एक चुटकी ऐसे दालचीनी पाउडर को इसमें डाल दिए। इस तरह से इसमें भी एक चुटकी की दालचीनी पाउडर डाल दिए, इसमें भी एक चुटकी की डाल दिए, इस तरह से। तो या तेल डालना है तो दो चार बूंद तेल डालिए, तो हमारे पानी में मच्छर वगैरह नहीं होंगे और हमें परेशानी नहीं होगी। दोस्तों पिचकारी का ये छोटा सा एक था, तो इसको मैंने एक छोटे से गमले के लिए इसको बना के रखे हैं। इसको इसमें अच्छे से दबा देना है और इसमें फिर पानी भर देना। और इस तरह से आप इनकी व्यवस्था कर दें और आराम से घर जाएं, घर जाकर वहाँ आराम से एंजॉय करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इन्हीं गमलों में मैं इसको भी डाल के दिखा दे रही हूँ, ये भी पिचकारी का ही हिस्सा है। तो इस तरह से इसमें डाल के और आराम से पानी इसमें आप डालें और घर जाएं, घर जाके शादी ब्याह जो भी एंजॉय करना है एंजॉय करें। आपके पौधे आप आएंगे तो हरे भरे रहेंगे, आपको आने के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी कि मेरे पौधे को क्या हो गया। तो दोस्तों आप जिस जिस में पानी रखा गया उसको थोड़ी सी नजर डालें, यहाँ इस पर तो अभी तुरंत ही मैं डाली हूँ, तो इस तरह से इस सब में तो देख ही रहे हैं ये सब पानी है, ये सब दो चार दिन तक आराम से रह जाएंगे। तो दोस्तों मैंने जो अपनी परेशानी झेली थी, मेरे जो पौधे मर गए थे उनसे बचाव का मैंने जो तरीका ढूंढा है उसे मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। आप चाहे तो इसमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके अपने घर जाने में, कहीं जाने में, बाहर जाने में इसका व्यवहार कर सकते हैं। तो बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार और बच्चों को बहुत प्यार। जय हिंद।